अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। गणेश विसर्जन के चलते किसी भी प्रकार की अनुचित घटना ना हो, इसलिए अकोला पुलिस दल ये पूरी तरह तैयार है। इसके लिए आज अकोला पुलिस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। यह शक्ति प्रदर्शन अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की उपस्थिति में आज पुलिस द्वारा निकाला गया। ये रूट मार्च भानपुरा चौक, जहिंद चौक, अगरबेज, मालीपुरा, अकोट स्टैंड, तेलीपुरा, ताजनापेट, गांधी चौक होते हुए सिटी कोतवाली गणेश घाट पर समाप्त हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, SDPO सुभाष दुनगावकर समेत शहर के सभी पुलिस थानों के निरीक्षक व पुलिस कर्मचारी, RCP, QRT, SRPF, यातायात पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड आदि ने सहभाग लिया। अकोला 24 न्यूज के लिए सईद खान के साथ समीर खान व इरशाद अहमद की रिपोर्ट। कल 9 सितंबर को इधर गणपति का विसर्जन है अकोला शहर में, तो उस सिलसिले में आज हमने रूट मार्च लिया है, जिसमें अकोला पुलिस के व्यतिरिक्त SRPF का एक कंपनी, होमगार्ड 200 होमगार्ड और बाकी बाहर का रिक्रूट पुलिस और PSI, DYSP ऐसे भरपूर फोर्स हम कल इस्तेमाल करने वाला है। उसके लिए आज रूट मार्च हमने लिया है और अकोला पुलिस की तरफ से सबको एक विनंती और सूचना भी है। कल का विसर्जन है, मिरणुक है, वो 2 साल के बाद हो रहा है, तो सबका कोऑपरेशन होना चाहिए। कोई भी समाज का इधर कोई लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आप लोग हमको कोऑपरेट करिए एंड शांत रखने के लिए आपको कोऑपरेशन।